आपल्या कुस्ती हा जो काही खेळ प्रकार आहे अतिशय पॉप्युलर आहे आणि त्याच्या कुस्त्या ज्या ठिकाणी झाल्या आणि त्या कुस्त्यांमध्ये विशेषतः जी शेवटची कुस्ती झाली महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटील आणि इराणचा जो पैलवान होता यांच्यामध्ये ही कुस्ती झाली आणि आमच्या महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराजने त्या ठिकाणी इराणच्या पैलवानाला चित केलं आणि कुस्ती या ठिकाणी जिंकली आणि महाराष्ट्राचं आणि देशाचं नाव मोठं केलं. मी त्याबद्दल त्यांचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि अतिशय सुंदर या कुस्त्या या ठिकाणी सुनील राणेजींनी आयोजित केल्या त्यांचं देखील अभिनंदन करतो. बोरिवली खेल महोत्सव में आज हम सब ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनका स्वागत किया और आज की कुश्ती के दंगल में करीबन 150 पहलवानों ने हिस्सा लिया था. ईरान के नामी पहलवान और महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटिल इनकी नंबर वन की इन्होंने जिसको हम कहते हैं एक नंबर की कुश्ती हुई और उस कुश्ती में हमारे महाराष्ट्र के केसरी पृथ्वीराज पाटिल ने ईरान के पहलवान को हराया और असल मिट्टी की इस कुश्ती को सही मायने में महाराष्ट्र की धरती को एक बहुत बड़ा नाम जो जिस कुश्ती से मिला है उसका सही अर्थ हमारे महाराष्ट्र केसरी ने पूरे विश्व को दिखा दिया क्योंकि पहलवान जो सामने वाला था वो ईरान से आया था. बोरिवली खेल महोत्सव का आज का ये समारोह इसी महत्व के कुश्ती के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग बास्केटबॉल स्केटिंग और आर्चरी और राइफल शूटिंग यानी ये 5-6 खेलों का आज खेलों के माध्यम से आज का ये बोरिवली खेल महोत्सव का समापन हुआ जिसमें करीबन 9000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. मैं मानता हूँ कि बोरिवली खेल महोत्सव के लिए भारतीय जनता पार्टी की बोरिवली विधानसभा की टीम और बोरिवली कल्चरल बोरिवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन की टीम ने बहुत भारी मेहनत की.